सो इन द प्रीवियस क्लास वी लर्नड अबाउट ASTC, ठीक है। हमने ये देखा था कि ASTC किस तरीके से वर्क करता है, राइट। हमने ये सारा रोटेशन वगैरह देखा था, और इसमें हमने देखा था कि ASTC एग्जैक्टली किस तरीके से वर्क करता है। क्या पढ़ा था हमने कि यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव। S से क्या था, ओनली साइन इज पॉजिटिव। T, ओनली टैन इज पॉजिटिव, एंड ओनली कॉस इज पॉजिटिव। हमने ये वाली बात पढ़ी थी, ठीक है। अब तुम देखोगे जितने भी क्वेश्चंस हैं सेकेंड एक्सरसाइज में तुम्हारे पास, सब के सब इसी पे बेस्ड हैं। देयर इज नथिंग न्यू देयर, राइट। इसके पीछे क्या रीज़न है, लास्ट वीडियो में यानी कि लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी कवर अप कर रखा है, ठीक है। सो आई डोंट वॉन्ट टू रिपीट इट, रादर लेट्स मूव ऑन टू चेक सम क्वेश्चंस एंड देन विल टॉक अबाउट द न्यू कॉन्सेप्ट विच इज़ देयर इन द थर्ड एक्सरसाइज, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत बढ़िया, अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो हम उसकी तरफ मूव करेंगे। आओ पहले कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे साथ डिस्कस करता हूँ। ये एक्सरसाइज सबसे आसान एक्सरसाइज है शायद इस चैप्टर की, फिफ्थ चैप्टर की सबसे आसान एक्सरसाइज है, राइट। रैंडमली जैसे सपोज करो मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, राइट। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फाइव अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, राइट, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन कॉस एक्स इज इक्वल टू हाफ एंड एक्स इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। नाउ व्हेन यू से that x is in the second quadrant, you understand it is only sine which will be positive, it is only sine which will be positive. So cos x ki value, right, yahan pe x kya hota hai, wo triangle ka angle hota hai na, x, this is the angle, right, this is half. If this is half, that means the base is 1 and the hypotenuse is 2, right, or you can say it is in the ratio 1:2. अगर ये 1 है तो ये 2 है, अगर ये 2 है तो ये 4 है, अगर ये 3 है तो ये 6 है। द रेशियो हैज़ टू बी 1:2, ठीक है। अब सिमिलरली क्या मैं यहाँ पे इसकी परपेंडिकुलर बता पाऊँगा क्या, बिल्कुल बता पाऊँगा। 4 माइनस 1 क्या बोल दूँ, 3 बोल दूँ, 3 बोल देता हूँ। इन्होंने बोला सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बताओ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत आराम से रिलैक्स होकर के सारी वैल्यूज लिख देना, ठीक है। देखना आराम से, कोसेक एक्स, कॉट एक्स, देन आपके पास कॉस दे रखा है तो सेक ले लो, है ना। 5 हो गए क्या, हाँ हो गए। सबसे पहले इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दो, जो एल्गोरिदम दे रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना, है ना। एल्गोरिदम यानी कि स्टेप्स क्या तुम फॉलो करोगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दो सिंपल, जो तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस वाले सिंपल तरीके से। क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन एक्स कितना हो जाएगा, √3/2, राइट, दैट इज √3/2। टैन एक्स कितना हो जाएगा, √3/1, दैट इज √3/1। कोसेक एक्स कितना हो जाएगा, √2/√3, ठीक है। कॉट एक्स कितना हो जाएगा बेटा, 1/√3। और सेक एक्स कितना हो जाएगा, सेक एक्स इज हाइपोटेनस अपॉन बेस, दैट इज 2, ठीक है। अब हमें पता है ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो इधर मैंने लगाया पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, दैट इज ऑल फिनिश्ड। आई होप यू गेट माई पॉइंट, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट किया, बहुत ईजी है, राइट। जो तुमने लास्ट क्लास में सीखा है सिर्फ उसकी एप्लीकेशन है, राइट। और जैसे कि थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट दिस थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से बड़े आराम आराम से करना है तुमने। साइन एक्स कितना है, हाफ है। टैन वाई कितना है, हाफ है। देखो ये जो वैल्यू है ना, इससे हमें ये नहीं पता लगता कि बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज नेगेटिव होंगे कि पॉजिटिव होंगे। उसके लिए हमें सिर्फ एक चीज़ देखना पड़ेगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, दैट मीन्स इट इज़ ओनली द ASTC विच इज़ कमिंग इन टू प्ले, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक्स के बारे में क्या बोल रहे हैं कि एक्स तुम्हारा π/2 से पाई है। क्या मैं इसको बोल दूं कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, राइट। और वाई मेरे पास पाई से लेके 3π/2 है, क्या मैं इसको बोल दूं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है। डू यू अंडरस्टैंड दैट, आओ एक बार फिर से समझते हैं। जब मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता हूँ वन क्वाड्रेंट का, तो ये एंगल क्या π/2 यानी कि 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है, होता है ना भाई। मैं फर्दर 90 डिग्री और मूव करता हूँ, यानी अब मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री मूव कर रहा हूँ, तो π/2 + π/2 तुम कहाँ पे पहुँच गए, पाई पे आ गए, ठीक है। यहाँ से तुम π/2 फिर मूव करते हो, तो अब तुम कहाँ पहुँच गए, π + π/2 पे पहुँच गए। ये वैल्यू कितनी आती है बच्चों, 3π/2 आती है। और जब आप यहाँ से π/2 और मूव करते हैं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3π/2 में अगर तुम π/2 और ऐड करोगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 4π/2 विच इज़ 2π। वन कम्प्लीट रेवोल्यूशन इज 2π, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो वैल्यूज दे रखी हैं तुम्हें, एंगल से क्वाड्रेंट और क्वाड्रेंट से एंगल, ये रिलेशन बहुत क्लियर होना चाहिए बच्चों, ठीक है। सो हमें ये बात समझ में आनी चाहिए, एक्स इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, वाई इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, दैट हैज टू बी क्लियर, ओके। नाउ दे आर आस्किंग अस टू फाइंड, राइट, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग अस व्हाट इज 8 टाइम्स टैन एक्स, ओके।
माइनस रूट फाइव टाइम्स सेक वाई, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बतानी, कोई टेंशन नहीं है। एक्स से मैंने देखा, एक्स से मैंने देखा, राइट, अगर ये वैल्यू मेरे पास एक्स है, सबसे पहले ट्राइंगल बनाने के लिए बिना किसी टेंशन के, और ए एस टी सी पे भरोसा रखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये बेस कितना आ गया, फाइव आ गया। सिमिलरली वाई वाला भी ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, ये रहा तुम्हारे पास वाई, कितना दे रखा है, हाफ दे रखा है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये कितना आ गया बच्चों, फोर प्लस वन अंडर रूट फाइव। आई होप यू आर एब्सोल्युटली कंफर्टेबल हियर, ठीक है। एट टेन एक्स, ठीक है, एट तो एट ही है, टेन एक्स के लिए कितनी होगी, थ्री बाई फोर होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, एक्स मेरे पास सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, मैं यहाँ पे माइनस थ्री बाई फोर रखूंगा। सिमिलरली यहाँ पे मैंने रूट फाइव रखा और सेक वाई की वैल्यू चेक की, सेक कितना होता है मेरे पास, हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि न्यूमेरिकली ये वैल्यू कितनी होगी, रूट फाइव अपॉन टू होगी। नेगेटिव या पॉजिटिव क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा, क्वाड्रेंट क्या है, थर्ड, सेक थर्ड क्वाड्रेंट में, सेक और कॉस सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, यानी यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। दैट इज ऑल चिल्ड्रन, इट इज डन। कितना बचा देखो, ये तुम्हारे पास आ गया, इसको तुम अगर चाहो तो पहले तो कैंसिल कर लो, है ना, टूजा चला जाएगा, कितना आ गया, माइनस सिक्स आ गया, और इधर कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और रूट फाइव इंटू रूट फाइव कितना हो गया, फाइव हो गया, यानी कि फाइव बाई टू। सो माइनस सिक्स प्लस फाइव बाई टू, वट इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर, दैट वुड बी ट्वेल्व एंड फाइव बाई टू, तो कितना हो जाएगा, ट्वेल्व में से फाइव अगर सब्सट्रैक्ट करो, ट्वेल्व में से फाइव सब्सट्रैक्ट करोगे ना, तो मेरे ख्याल से तो सेवन हो जाना चाहिए, है ना, इट वुड बी वॉट, इट वुड बी सेवन बाई टू विद नेगेटिव साइन, है ना। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर मेरे पास कितना आना चाहिए, माइनस सेवन बाई टू, ठीक है बच्चों। आंसर ऐसे मैच करने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आओ देख लो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये थ्री, है ना, माइनस सेवन बाई टू, दैट्स प्रिटी ईजी। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें बहुत आसान लग रही हैं, ठीक है अनुष्का, बिल्कुल सही है, शाबाश। आओ एक आध क्वेश्चन और करते हैं, है ना, ये बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, और कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से कल के कॉन्सेप्ट पे तुम्हें समझ में आना चाहिए। कल हमने हालांकि फर्स्ट एक्सरसाइज ही टच किया था, लेकिन कॉन्सेप्ट हमने सेकंड का भी कवर कर लिया था। ए एस टी सी इज इंटायरली बेस्ड ऑन, मतलब ए एस टी सी का सारा कॉन्सेप्ट, और तुम्हें बुक से कुछ भी पढ़ने की जरूरत है, तुम किसी भी बुक से सिर्फ क्वेश्चंस कर लो, कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें जितना दे रहा हूँ दैट इज मोर देन एनफ, राइट। आप क्वेश्चंस जितने चाहें उतने कर लें, आपको परेशानी नहीं आएगी, और अगर परेशानी आती है तो कोई टेंशन नहीं है, जस्ट क्लिक द फोटो, अगर आर डी शर्मा से फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, आई एम डिस्कसिंग इट, और अगर कहीं बाहर से है जस्ट क्लिक अ फोटोग्राफ एंड सेंड इट ओवर द व्हाट्सएप, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं ये क्या कह रहे हैं, पाई से लेकर के थ्री पाई बाई टू, क्या मतलब समझ में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट समझ में आता है क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। कॉस एक्स की वैल्यू दे रखी है थ्री बाई फाइव विद नेगेटिव साइन, समझ में आता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है, ये बात हम जानते हैं, ए एस टी सी। सो यहाँ कहीं पर हमारे पास थ्री अपॉन फाइव है, राइट, ये मेरे पास एक्स एंगल है, 3 upon 5 का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज द हाइपोटेनस, सो दिस हैज टू बी व्हाट, 25 माइनस 9 व्हिच इज 16 का अंडर रूट व्हिच इज 4, ठीक है भाई, समझ में आ रही होगी बात आपको, है ना। 5 अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, आई लीव इट टू यू, आप 5 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज कैलकुलेट कर लेना, हेंस इवैल्यूएट दिस, चलो मैं सिर्फ ये इवैल्यूएट कर लेता हूँ, ठीक है, आई एम श्योर आप बाकी 5 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज निकाल लेंगे। देखिए क्या पूछा गया है आपसे, पूछा गया है व्हाट इज कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स and this is divided by sec x minus tan x, ठीक है बच्चों। cosec x क्या होता है, cosec x is hypotenuse upon perpendicular, it's 5 by 4, मैंने क्या बोला, negative positive की tension मत लेना, last में देख लेंगे, ठीक है last में देख लेंगे। cot x क्या बताया था मैंने, base upon perpendicular, क्या लिखोगे, 3 by 4, right, मैंने क्या बताया था, जो angle है उसके opposite ही perpendicular होता है ना, तो certainly ये base होगा, और 90 के opposite हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रहनी चाहिए। sec x की अगर हम बात करें तो sec x क्या होता है बच्चों, sec x इज हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि 5 बाई थ्री, ठीक है। और tan x क्या होता है, tan x इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज 4 बाई थ्री, ओके। माइनस प्लस दो, या मैंने गलती से माइनस लगा दिया, माइनस प्लस अभी हम चेक करेंगे, ठीक है, और देखते हैं। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, cosec क्या है, cosec तो इधर नेगेटिव है, राइट, यहाँ मुझे माइनस साइन लगाना है, ओके। cot क्या है, tan और cot यहाँ पे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पॉजिटिव साइन था, इट विल रिमेन पॉजिटिव, ओके। सेक की बात करें तो सेक कितना होगा, नेगेटिव होगा, समझ में आ रही बातें, समझ में आ रही बातें। टेन अगर हम बात करें तो टेन तो यहाँ पे नेगेटिव साइन था, तो ये इसका साइन चेंज नहीं होगा, नेगेटिव का नेगेटिव ही रह जाएगा, है ना, क्योंकि टेन यहाँ पे पॉजिटिव होता है ना, और यहाँ माइनस साइन है, भाई अगर तुम किसी भी पॉजिटिव नंबर के आगे माइनस लाओगे तो माइनस ही होगा,
है ना, और माइनस अगर नेगेटिव नंबर होता तो ये क्या बना देता, इसको पॉजिटिव बना देता। अब सिंपल इसकी कैलकुलेशन है जो मुझे लगता है आप सब लोग कर सकते हैं। देखिए माइनस फाइव एंड माइनस थ्री डिनोमिनेटर सेम है तो कितना हो जाएगा माइनस टू अपॉन फोर, ठीक है। नीचे देखो तो डिनोमिनेटर तुम्हारे पास थ्री सेम है और इधर माइनस फाइव और माइनस फोर विच इज़ माइनस नाइन। अच्छी बात यह है कि दोनों जगह पर माइनस है तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये आपका थ्री से कैंसिल होगा, ये आपका टू से कैंसिल होगा, ठीक है। अब टू मेरे पास डिनोमिनेटर में है ना, और डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है वो थ्री है, यानी कि टू थ्री सा मेरे पास कितना आ जाएगा वन बाई सिक्स। सो द आंसर फॉर फिफ्थ का ये वाला पार्ट शुड बी वन बाई सिक्स, ठीक है, शुड बी वन बाई सिक्स। तो बड़े आसानी से ये सारी बातें समझ में आती हैं। इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को मैं टच भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है वो बहुत ईजी है, सिर्फ थोड़े से क्वेश्चन इसलिए कर दिए ताकि तुम्हें एहसास हो जाए कि तुम्हें ये सारी बातें आती हैं, ठीक है। पलक्ष योर हैंड इज अप।